लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में प्रभावी है आदर्श आचार संहिता। जनपद के सभी मतदाताओं से अपील, निर्भीक होकर मतदान करें। भारत निर्वाचन आयोग की जारी लिस्ट में जनपद बांदा में पांचवी फेज पर चुनाव होगा। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि 20 मई को मतदान होंगे। 13,28,000 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पहले से पुलिस ने 116 की कार्यवाही की है। सोशल मीडिया एवं भ्रामक खबरों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बांदा के जिला कलेक्ट्रेट में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में निर्देश जारी किए। देखिए, जैसा आप जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की घोषणा करके पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी है। उसी के क्रम में जनपद बांदा में चुनाव पांचवी फेज में होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी होगा। 20 मई को हमारे यहाँ मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश की घाटी हमारे यहाँ हमारे यहाँ जनपद से ईवीएम डिस्पैच होंगी, वहीं पे रिसीव होंगी और वहीं पे स्ट्रॉन्ग रूम्स बनेंगे उनको स्टोर करने के लिए। और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया भी हर चुनावी वर्ष की भांति मंडी में ही होगी। हमारे यहाँ कुल 1389 बूथ है।